हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम थाई बीएल ही इज़ कमिंग टू मी के एपिसोड, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। मैस को दुखी देखकर जेंग वहाँ पर आता है और पूछता है, क्या तुम गिव अप कर रहे हो? मैस कहता है, अब वो यहाँ पर नहीं आता है। जेंग कहता है, मैंने तो तुम्हें कहा ही था कि घोस्ट और ह्यूमन दोनों अलग अलग दुनिया में रहते हैं। मैस कहता है, मुझे पता है। जेंग कहता है, ये अच्छी बात है कि तुम्हें पता है। तभी जेंग सामने के घोस्ट के रिलेटिव को देखकर मस्ती मजाक करने लगता है, और उनके जाने के बाद उसका ऑफर किया हुआ खाना लेकर मैस से पूछता है, क्या तुम भी खाओगे? मैस कहता है, मुझे भूख नहीं लगी है। जेंग कहता है, मैं तुम्हें ऑफर कर रहा हूँ, तुम रिजेक्ट कर रहे हो। क्या तुम अभी भी उस बच्चे के केक का वेट कर रहे हो? ऐसा सपना बिल्कुल मत देखो, अब वो दोबारा कभी नहीं आएगा। जेंग मस्ती मजाक करके वहाँ से चला जाता है। मैस दुखी हो जाता है और वहाँ पर रखे केक्स को देखने लगता है। तभी सामने से थन आता है और कहता है, आपके केक यहाँ पे हैं। मैस थन को देखकर खुश हो जाता है। मैस कहता है, तुम कहाँ चले गए थे? तुमने तो मुझसे वादा किया था कि तुम मुझसे मिलने आओगे। थन कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, जब मेरे फादर की डेथ हो गई तो मैं अपनी माँ के साथ रहने चला गया था, और मुझे एग्ज़ाम्स भी देने थे कॉलेज के लिए, इसीलिए मैं बिज़ी हो गया था। मुझे लगा कि आप बहुत ज़्यादा लोनली होंगे, इसीलिए मैं आपसे मिलने आया हूँ। मैस कहता है, कौन है लोनली? मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ, और तुमने मुझे वेट कराया, तुम्हें गिल्टी फील होना चाहिए। थन कहता है, मैं गिल्टी तो हूँ, लेकिन आप तो घोस्ट है ना, क्या मुझे गिल्टी फील करना चाहिए? थन कहता है, आप मुझसे अब गुस्सा तो नहीं है ना? मैस कहता है, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ। मैं गुस्सा क्यों होऊंगा? थन कहता है, आप चिंता मत करिए, मैं आपसे मिलने अब आया करूँगा। मैस कहता है, तुमने आखिर खाया क्या जो तुम इतने बड़े हो गए हो? थन कहता है, चॉकलेट, क्या आप भी खाएंगे? थन मैस से बैठकर बातें कर रहा होता है, पर आने जाने वाले लोग ये देखकर कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि उन्हें तो थन अकेला ही दिख रहा होता है। उन लोगों को लगता है कि थन पागल है, इसीलिए वो खुद से बातें कर रहा है। मैस कहता है, उन लोगों को तुम पागल लग रहे हो क्योंकि तुम खुद से बात कर रहे हो। थन कहता है, मुझे इसकी आदत है, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं जिनसे मैं बातें कर सकता हूँ। मैस कहता है, क्या तुम और घोस्ट को भी देख सकते हो? मुझे बताओ जल्दी। थन कहता है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके बदले में आप मुझे अपनी स्टोरी सुनाओ। मैं जब से आपसे मिला हूँ मुझे आपके बारे में कुछ भी नहीं पता है, बस इतना पता है कि आपका नाम मैस है। मैस मान जाता है। थन कहता है, आपको पता है घोस्ट का पुनर्जन्म 3 कारणों से नहीं हुआ होता है? मैस कहता है, ये तो मुझे पता है। थन कहता है, तो क्या आपको ये भी पता है कि अगर मैं कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करूँ तो मुझे घोस्ट का कलर दिख सकता है? मैस ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है, ये क्या है? थन कहता है, जैसे सामने वाले घोस्ट को देखिए, इसका कलर ब्लू मुझे दिख रहा है, इसका मतलब कि इसकी उम्र अभी तक पूरी नहीं हुई है। और उस घोस्ट को देखिए, उसका कलर येलो है, इसका मतलब कि उसकी कोई फैमिली नहीं है, इसलिए किसी ने उसका फ्यूनरल नहीं किया है। और अगर किसी का कलर रेड हो, इसका मतलब उन्हें नहीं पता है कि वो मरे क्यों हैं। मैस कहता है, तुम मेरा क्या कलर है? थन कहता है, अब सवाल पूछने की बारी मेरी है। मैस कहता है, तुम्हें जो भी पूछना है तुम पूछो, वैसे भी मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं है सिवाय इसके कि मेरा नाम मैस है। थन कहता है, आप याद करने की कोशिश तो करिए। मैस कहता है, मुझे जहाँ तक याद है मेरा नाम मैस है, और मैं पढ़ने में काफ़ी अच्छा था, लेकिन मेरे पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी, मुझे बार बार हॉस्पिटल में आना पड़ता था, जब तक कि मेरी हार्ट अटैक के कारण मौत नहीं हो गई, मुझे बस इतना ही याद है। ये सुनकर थन सोच में डूब जाता है। तो मैस पूछता है, क्या हुआ? थन कहता है, कुछ नहीं, मुझे बस आपके लिए बुरा लग रहा है। मैस कहता है, कोई बात नहीं, वैसे भी ये तो पास्ट है। तभी थन टाइम देखकर कहता है, भी मुझे अब जाना होगा यहाँ से। मैस कहता है, क्या तुम मुझसे मिलने अगले साल आओगे? थन स्माइल करके उसे बाय बोल कर वहाँ से चला जाता है। अब स्टोरी 2015 में आती है। थन मैस से मिलने आता है और उसके लिए सामान भी लेकर आता है। मैस कहता है, ये तो पिछले साल से कम है। थन कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये रही आपकी फेवरेट केक और ये आपका फेवरेट चॉकलेट। अब स्टोरी 2016 में आती है। थन फिर से मैस से मिलने आता है, दोनों बातें करने लगते हैं। अब स्टोरी 2017 में आती है। थन फिर से मैस से मिलने आता है, और इस बार वो उसके लिए फ्रेंच फ्राइज लाता है। जेंग और नगुन ये देखकर चौंक जाते हैं। अब स्टोरी 2018 में आती है। थन मैस से मिलने आता है और उसके हाथ में बहुत सारा सामान होता है। ये देखकर मैस कहता है, ये सब क्या है? थन कहता है, इतने सालों तक मैं आपके लिए सिर्फ फूड लेकर आता रहा हूँ ना, इस साल मैं आपके लिए कपड़े भी लेकर आया हूँ। थन उसे कपड़े दिखाने लगता है। मैस कहता है, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं इन्हें पहनूं? थन कहता है, आप ट्राई तो कर सकते हैं। थन उन कपड़ों को जला देता है। तभी वो कपड़े मैस के ऊपर आ जाते हैं।
थन फिर से दूसरे कपड़े जलाता है। मैस कहता है, ये तो मेरे टाइप की बिल्कुल भी नहीं है। थन फिर से एक कपड़ा जलाता है और पूछता है, ये आपको कैसा लग रहा है? मैस कहता है, ये मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। थन कहता है, मुझे लगता है ये आपको सूट कर रहा है, आप इसे पहनकर सीएम जा सकते हैं। मैस कहता है, क्या अभी भी लोग सीएम में आते हैं? थन कहता है, क्या आप बाहर नहीं कभी गए हैं? मैस कहता है, मेरे पास कोई विजिटर तो है नहीं, मैं बाहर कैसे जा सकता हूँ? मेरे जैसा गोस्ट बाहर तब तक नहीं जा सकता है जब तक कि कोई हमें लेकर ना जाए। थन कहता है, तो क्या आप जानना चाहते हैं कि बाहर की दुनिया कैसी दिखती है? मैस कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? अगले सीन में थन मैस को बाहर ले जाने लगता है। मैस खुश हो जाता है और कहता है, अब मैं बाहर की दुनिया देख सकता हूँ। मैस को बाहर ले जाने के लिए थन ने एक पॉट में अगरबत्ती जला के रखी होती है। दोनों घूमने जाने लगते हैं। मैस थन से कहता है, तुम्हें कार में अगरबत्ती जलाना किसने सिखाया है? तुम्हें पता है तुम भी मेरी तरह मर सकते थे इससे। थन कहता है, मेरा ऐसा करना वेस्ट नहीं होगा। मैस थन को थैंक्स कहता है उसे बाहर लाने के लिए। मैस कहता है, तुम मुझे इस तरह से हेल्प क्यों कर रहे हो? थन कहता है, मैं आपकी फ्री में हेल्प नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है हम लोगों को क्वेश्चन आंसर गेम खेलना चाहिए। मैं आपसे पहले सवाल करूँगा। मैस कहता है, मुझे लगता है तुम्हें ये गेम खेलना काफ़ी पसंद है। थन कहता है, मुझे किसी ने कहा है कि अगर मैं किसी के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ तो मुझे उनसे सीधे पूछ लेना चाहिए। मैस कहता है, ऐसा किसने तुमसे कहा है? तुम्हारी फैन ने। थन कहता है, आपने कहा है मुझसे ऐसा? मैस कहता है, मैंने ऐसा कब कहा? थन कहता है, अभी तो आपने कहा। थन मैस से पूछता है कि आप तो एक घोस्ट हैं, फिर भी आपके पास MP3 प्लेयर कैसे है? मैस कहता है, ये MP3 प्लेयर नहीं है, ये एक साउंड अबाउट है। हो सकता है कि मरते वक्त ये मेरे साथ रहा हो, इसीलिए अभी मेरे पास है ये। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि लोग मरने के वक्त कुछ भी अपने साथ ले नहीं जा सकते हैं, पता नहीं ये मेरे साथ कैसे है। थन कहता है, अब आपकी बारी है सवाल पूछने की। मैस पूछता है, क्या तुम्हारी कोई फ़ैन है? थन हाँ कहता है और पूछता है, क्या आपका कोई फ़ैन है? मैस कहता है, मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा कोई ना कोई फ़ैन तो ज़रूर रहा होगा क्योंकि मैं इतना हैंडसम जो हूँ। थन हंसने लगता है। थन कहता है, मेरी बारी, आपको मरते वक्त कैसा फील हुआ था? मैस कहता है, मैं बस सो गया और मुझे कुछ भी पता नहीं चला। जब मैं उठा तो मैं ऑलरेडी मर चुका था। क्यों, तुम ट्राई करना चाहते हो क्या? थन कहता है, मैं इतनी भी जल्दी में नहीं हूँ, मुझे भी और बहुत सारी चीज़ें करनी है। मैस को उदास देख कर थन सॉरी कहता है। थन पूछता है, क्या कुछ है ऐसा है जो पूरा करना चाहते हैं? मैस कहता है, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं इतनी जल्दी क्यों मर गया, लेकिन अब मैं कर भी क्या सकता हूँ। थन कुछ बोलने वाला होता है पर तभी मैस गायब हो जाता है। ये देखकर थन चौंक जाता है और उसे इधर उधर ढूंढने लगता है, पर तभी उसकी नज़र अगरबत्ती पे जाती है जो कि ख़त्म हो चुकी होती है। वो समझ जाता है कि मैस वापस से ग्रेव के पास ही चला गया है। मैस बाहर तभी तक रह सकता है जब तक कि वो अगरबत्ती जलती रहे। थन वापस से ग्रेव साइट पे आ जाता है। वहाँ पे मैस बैठा हुआ होता है। थन कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं दूसरी अगरबत्ती जलाना भूल गया था। मैस कहता है, कोई बात नहीं, इतना ही मेरे लिए काफ़ी था। तुमने मेरे लिए जो किया उसके लिए थैंक यू। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि दुनिया इतनी बदल गई है। अगली बार हम, तभी थन कहता है, शायद अगली बार मैं यहाँ पे नहीं आ पाऊँगा। मैस कहता है, क्यों? थन कहता है, मेरी फैमिली ने डिसाइड किया है कि हम ग्रेव में मेरे फादर और मेरी ग्रैंडमा की बॉडी को जला दें, तो मुझे अब यहाँ आने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं इस बार आखिरी बार यहाँ पे आया हूँ। मैस कहता है, इसीलिए तुम मुझे बाहर लेकर गए थे? थन हाँ कह के कहता है, हो सकता है हमारे पास दोबारा मिलने का मौका मिले। ये कहकर थन जाने लगता है तो मैस उसे रोक कर थैंक यू कहता है। थन मैस को बाय बोल कर वहाँ से चला जाता है। मैस कहता है, कभी कभी तुम मुझसे मिलने आ सकते हो चाहो तो। मैस वापस से अपनी ग्रेव की तरफ आ जाता है। थन अपने रूम में आ जाता है और अगरबत्ती को देखकर मैस के बारे में सोचने लगता है। अगले दिन थन के फ्रेंड्स प्रिंस और गोल्फ उसे उठाने आते हैं। प्रिंस कहता है, जल्दी से उठो वरना हम लेट हो जाएंगे। थन उठ जाता है। प्रिंस कहता है, तुम जल्दी करो वरना आज जिस प्रोफेसर की क्लास है वो 1 सेकंड लेट होने पर भी दरवाज़ा बंद कर देंगे। थन कहता है, मुझे 5 मिनट दो। गोल्फ प्रिंस को कहता है, क्या तुम्हें पता है कि इंग्लिश का स्टूडेंट हार्ट अटैक के कारण मर गया है? प्रिंस कहता है, कौन? गोल्फ कहता है, क्या तुमने फेसबुक पे पोस्ट नहीं पढ़ी? वो पोस्ट काफ़ी बार रीशेयर की जा चुकी है। बेचारा ग्रेजुएट होने से पहले ही मर गया। प्रिंस कहता है, तुम्हारा उससे क्या लेना देना है? गोल्फ कहता है, लेना देना कैसे नहीं है, मेरी सिस्टर उस हॉस्पिटल में नर्स है, तो
तुम्हें पता है उसकी बॉडी लेने सिर्फ एक ही इंसान आया था। लगता है कि उसकी कोई फैमिली नहीं है। वो सच में बहुत अनलक्की है। एक तो वो ग्रेजुएट होने से पहले ही मर गया और उसकी फैमिली भी नहीं है। प्रिंस कहता है इस पे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है ना? थन ये सुनकर सोच में पड़ जाता है। थन प्रिंस को ब्रेड निकाल के देता है और कहता है तुम टीचर से कहो कि आज मैं क्लास नहीं जा पाऊँगा, मुझे मेरी माँ से मिलने जाना है। थन कहता है इस सब्जेक्ट में 3 क्रेडिट है ना, और मेरे पास 3 पीरियड की ऑफ भी बची है। थन कहता है मुझे नहाने जाना है तो तुम लोग अब जाओ यहाँ से। गोल्फ प्रिंस को कहता है वो तुम्हें जाने को कह रहा है। प्रिंस कहता है तुम किसे जाने को कह रहे हो? थन कहता है मैं तुम दोनों को जाने को कह रहा हूँ। थन दोनों को बाहर भेज देता है और खुद शावर लेने चला जाता है। इधर मैस उदास बैठा हुआ होता है, पर तभी वहाँ पर थन आता है। मैस उसे देखकर चौंक जाता है और कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? थन कहता है मेरी कोई चीज़ यहाँ पे खो गई है। मैस कहता है क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ क्या? थन इधर उधर ढूंढ के कहता है मिल गई। थन मैस के सामने अपने रूम की चाबी आगे करता है और कहता है पिमेस क्या आप मेरे साथ मेरे घर चलेंगे? मैस ये सुनकर खुश हो जाता है और कहता है मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकता हूँ? क्या तुम मेरे लिए अगरबत्तियाँ जलाते रहोगे? इस तरह से तो तुम हर रोज़ धुएं में रहोगे। तभी थन अपने पॉकेट में से इलेक्ट्रिक अगरबत्ती निकालता है। अगले सीन में मैस थन से पूछता है क्या तुम श्योर हो? थन कहता है इस सवाल का जवाब तो आपको देना चाहिए। मैस कहता है मेरे जैसे घोस्ट को उस दिन का इंतज़ार होता है जिस दिन उसका पुनर्जन्म हो सके। मैं तो कहीं भी रह सकता हूँ, पर क्या तुम्हें मेरे साथ प्रॉब्लम नहीं होगी? थन कहता है मैं आपको फ्री में नहीं रखने वाला हूँ, आपको मेरी बात माननी होगी और मेरे साथ रूम का रेंटल भी शेयर करना होगा। मैस कहता है तुम एक मरे हुए इंसान से पैसा लेना चाहते हो? थन कहता है आपने कहा था कि आप पढ़ाई में अच्छे हैं, तो मेरे लिए ये तो अच्छी बात है, आप मेरे साथ रह के मेरी स्टडी में हेल्प कर सकते हैं। अगर आप मेरी 3 से 4 ए पॉइंट लाने में हेल्प कर देंगे तो मैं आपकी सारी बात मानूंगा। मैस कहता है तुम्हें चलना है तो जल्दी से चलो, वरना ये अगरबत्ती बंद हो जाएगी। थन कहता है कि आपको याद है आपने मुझसे क्या पूछा था? आपकी आत्मा का रंग? मैस कहता है मुझे याद है। क्या है मेरी आत्मा का कलर? थन कहता है आपकी आत्मा का कलर रेड है, इसका मतलब ये है कि आपकी मौत हार्ट अटैक के कारण नहीं हुई है। मैस ये सुनकर चौंक जाता है और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।